Yeah, this is the continuation video again of chemical reaction and equation. We were at acid, bases and salt. Equation number 8 says when bases are dissolved in water. क्या होगा अगर बेस किसी भी बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रेक होगा बेटा। इसमें तो बस यही बता रहा है, Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा जो कि एक्वस है। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अब मैं एक वीक बेस लेता हूं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ऐसे ही आप आर्हेनियस कंसेप्ट के बेसिस पे जैसे एसिड को डिसोसिएट किया था वैसे आप बेसिस को भी डिसोसिएट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपकी नॉलेज के लिए ले रहा हूं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बन रहा है Mg2+, मैग्नीशियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो रहा है। ठीक है, इसी में एक दो इक्वेशन और है बेटा, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, अगर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्साइड नहीं है मेटल का, येट इट इज अ बेस एज इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अमोनिया जो है एल्कली है, एल्कली होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस, आपको पता ही है। तो अगर अमोनिया यानी कि NH3+H2O की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ब्रेक करोगे आयंस में तो बनेगा NH4+ और OH-. अगर आप ध्यान दें बेटा तो पेज नंबर 4 पर ये सारी इक्वेशन दे रखी हैं शौर्य एंड हर्षवर्धन। इसके बाद आगे देखिए क्लोर एल्केली प्रोसेस, आई होप आपको ये ध्यान होगा क्लोर एल्केली प्रोसेस, इसका नाम क्लोर एल्केली प्रोसेस इसी वजह से है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं क्लोर यानी क्लोरीन और एल्केली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में बनता है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्केली कहते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो तो सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्केली है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस है राइट। प्लस H2 बनेगा, प्लस Cl2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्लोरीन गैस नेगेटिव है बेटा, ये एनोड पे बनेगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे बनेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लास जरूर करके जाएं। ठीक है, फिर इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के यूजेस थे। ओके, इसके बाद 10th, इसी के अंदर इन्होंने रिएक्शन लिख रखी है ब्लीचिंग पाउडर मतलब सिर्फ क्लोर एल्केली प्रोसेस की तो यही थी, सिर्फ यही वाला पार्ट क्लोर एल्केली प्रोसेस से एसोसिएटेड है। अब अगली रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब स्लेक लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो बनता है CaOCl2 जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, यह ध्यान रखना। इसमें एक और रिएक्शन थी NaCl और H2O के मिक्सचर को ब्राइन कहते थे, अमोनिकल ब्राइन यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस NH3 इन तीनों को मिला के कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हो तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा यानी कि NaCl, ये ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड बनेगा और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इससे अगली रिएक्शन में हमें क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए, यहां फोकस कीजिए कैमरामैन, फोकस कीजिए यहां, ये खराब हो गया तो आगे की सारी जनरेशन गलत ही देखती रहेगी, प्लीज यहां फोकस करना पहले। बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है,
इसके अलावा यही सोडियम कार्बोनेट जब आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Na2CO3.10H2O। और ध्यान है आपको किस चीज का फॉर्मूला है, बताइए, बोलिए, अब तो बोल दो, लिख भी दिया है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का याद रखना, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज केक बनाने में और इसके अलावा क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में, ये सब में है। ऑलरेडी इस सब के बारे में आप हमारे ऐसे बेसिक सॉल्ट के वीडियोस देख सकते हो। फिर अगला टॉपिक था कि सॉल्ट क्या रियली ड्राई है या नहीं। तो कई जो सॉल्ट है जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू विट्रियल भी कहते हैं इसे, अगर आप इसे हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और टेस्ट ट्यूब की वॉल पर आप देखेंगे इनर ड्रॉपलेट्स, उसकी मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, इससे पता चल गया ये जो सॉल्ट है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसके बाद इसमें एक और रिएक्शन थी, इसे इन्होंने अलग नंबर दिया है। इसमें 2 रिएक्शन है, अगर जिप्सम यानी कि CSO4.2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो बनेगा POP प्लस वाटर। ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं इसे। और इसी में बेटा एक रिएक्शन और थी कि क्या होगा अगर जिप्सम को 100 की बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा विच इज नथिंग बट अ डेड बर्न प्लास्टर। ये ध्यान में रखना क्लास आपको, ठीक है। तो क्लास ये ऐसे बेसिस सॉल्ट की सारी इक्वेशंस हैं। इसके बाद आपका फेवरेट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, शुरू में आपको पता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, अब इसके बाद इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बेसिक इक्वेशन है, इसमें मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, तो इसी को लिखते हुए मैं सीधा लिख देता हूं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। वैलेंसी का ज्ञान होना चाहिए आपको, MgO बनेगा। साथ साथ नोट करते रहिए, Cu प्लस O2 गिव्स Cu, कैसी मर्जी बना लो, Ca प्लस O2 CaO देगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है, ठीक है। और यही बताइए एल्यूमिनियम प्लस O2 वेरी गुड Al2O3 वैलेंसी आपको ध्यान होनी चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही Fe प्लस O2 Fe3O4 देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं वर्ड वाला फॉर्मेट लिख नहीं रहा हूं पर मैं साथ साथ बोल रहा हूं। आई होप हर्षवर्धन शौर्य, पेज नंबर 5 पे हम आ गए हैं, आप लिख रहे हैं साथ साथ, ओके। इसके बाद बात करते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि इसमें आ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Mg ब्रैकेट OH होल ड्राई। ऐसे ही ध्यान दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये वो ऑक्साइड होते हैं जो ऐसे लिखता था बेसिक, दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि इसमें आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी HCl से करा दो रिएक्शन तो बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, पहले भी बताई थी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस वाटर बनता है, इसमें और भी है जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की HCl से करा दीजिए तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2O और यही जिंक ऑक्साइड की करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
वही सेम पहले भी लिखी थी, सोडियम जिंकेट बनेगा H2 बनेगा, H2O तो नहीं बनता जहां तक मेरा ख्याल है, पर ये मेटल ऑक्साइड के साथ है, मेटल के साथ नहीं है, तभी वाटर बनेगा यहां पर, राइट। ओके, फोर्थ वाली है बेटा मेटल ऑक्साइड विद एसिड, एसिड के साथ तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि MgO प्लस H2SO4, RD से बोलना शुरू करेगा, MgO प्लस H2SO4 बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो ये फोर्थ आ गई, इसी में फिफ्थ है मेटल प्लस वाटर, ये बनेगा बेस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो ये आ गया 2Na प्लस 2H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ज्यादा नहीं लिखना इसमें, एक दो ही लिख रहा हूं बेटा, ऐसे ही के साथ खुद लिख लेना, Ca प्लस 2H2O क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है प्लस हाइड्रोजन बनेगा। बाकी नोट्स की पिक हम आपको भेज देंगे, सारी सारी हम नहीं लिख रहे, मेन मेन ही लिखी जा रही है, ठीक है। ये Mg प्लस 2H2O मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, ठीक है। ओके क्लास, और Al प्लस H2S, Al भी स्टीम के साथ करता है और Fe भी स्टीम के साथ करता है, आपको पता है। ये एनसीईआरटी के उस वाले पेज पे सारी दे रखी है जिसमें, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि जो बबल होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम और उसमें। जब Ca प्लस 2H2O ये वाली रिएक्शन के अंदर लेस वायलेट होती है, क्योंकि हीट एवॉल्व जो है वो सफिशियंट नहीं होती कि आग पकड़ ले, जबकि ये पहली वाली सोडियम के साथ और ऐसे K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, ये बहुत वायलेंट होती हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं और फायर पकड़ लेती हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहले ही बता दी थी, Fe प्लस H2O गैसियस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। कमिंग टू नेक्स्ट पेज नंबर, अगली है मेटल की एसिड के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए, जैसे कि K प्लस मेटल है, K प्लस HCl क्या बनाएगा, KCl प्लस H2। ऐसे करके खुद से कुछ भी बना लो, अगर तुम्हें वैलेंसी का नॉलेज है तो MgCl2 मैग्नीशियम, ऐसे करके आप चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कॉपर सिल्वर और मरकरी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब कई मेटल्स अधिकतर नाइट्रिक एसिड से भी नहीं करते, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर लेता है जो भी हाइड्रोजन अभी फॉर्म हो रही है वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है ऐसे ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जैसे कि N2O, NO, NO2। लेकिन दो ऐसे मेटल है, इसी में आप लिख लीजिए, दो ऐसे मेटल है मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दोनों की वैलेंसी 2 है, ये नाइट्रिक एसिड से करते हैं और हाइड्रोजन भी इवॉल्व करते हैं। Mg plus HNO3 gives MgNO3 whole twice plus H2, और एक है मैग्नीज, इसकी भी वैलेंसी 2 है, मैग्नीज नाइट्रेट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, क्लास ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद आती है मेटल्स विद क्लोरीन, यही लिख रहा हूं मैं, ये है नंबर 7th है मेटल की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन, तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, लिख लो बेटा इसमें भी एक दो, Na प्लस Cl2 क्या बनाएगा, NaCl, Mg प्लस Cl2 क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके Zn प्लस Cl2 गिव्स ZnCl2, Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2 यहां पर ये फेरिक है,
तो ये FeCl3 बनाएगा, फेरिक क्लोराइड बनाएगा, ये ध्यान रखना ठीक है। अगली है मेटल्स विद हाइड्रोजन। अगर मेटल्स हाइड्रोजन से करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बनाएंगे, याद रखना सबसे मेन ये वाली है। इसमें H नेगेटिव होता है, अनायन की तरह बिहेव करता है। Na सोडियम हाइड्राइड, Na प्लस H माइनस, याद रखना थोड़ी अलग है। ऐसे ही Ca कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने बता रखी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। Cu प्लस AgNO3 के कॉपर नाइट्रेट प्लस दिस। अब आगे बात करते हैं नॉन मेटल की, ध्यान दीजिए यही नॉन मेटल पेज नंबर 7 पे देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये C प्लस O2 gives CO2, ये न्यूट्रल बनाता है, जबकि S प्लस O2 gives SO2, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन और ये मिलके NO बनाते हैं। ऐसे दो दो तीन तीन हर किसी की याद रखनी है आपने। अभी बहुत सारी तो मैंने जो इसमें दे रखी है लिखी नहीं है, कि कम से कम इतनी तो याद करो। ओके, 10th है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये एसिड बनाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एसिड, H2CO3, और इसमें एक ये वाली लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप, SO2 प्लस H2O, ये बनेगा H2 सल्फ्यूरस एसिड बनेगा ठीक है। अब ऐसे न्यूट्रल ऑक्साइड आ जाएगा इसमें, C प्लस O2 gives 2CO, टू एच टू बनेगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अब सिलेबस में नहीं है, ये सब कुछ सिलेबस से हट चुका है। कंबशन ये अगला चैप्टर ठीक है। क्लास दिस वॉज पार्ट नंबर 2, ऑल इक्वेशंस ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 टू चैप्टर 3। थैंक यू।